चलिए एक और टॉपर से मिलते हैं, निमसेट 2022 की 12th रैंक से विवेक से, जिनकी की ऑल इंडिया 12th रैंक है, जो प्रयागराज, जिसका पहला नाम इलाहाबाद था, यूपी से हैं और प्रयागराज क्लासरूम रेगुलर स्टूडेंट है। तो प्रयागराज सबसे पहले, सॉरी विवेक, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको और आपके पेरेंट्स को। थैंक यू सर, ये सब सर आपके अंकितेश के सर सहयोग से हुआ है सर, और मेरे पेरेंट्स के साथ के कारण हुआ है सर। चलो ये बहुत ही अच्छी बात है विवेक। तो विवेक मैं ये चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेस जर्नी, आपने क्योंकि ड्रॉप लिया था, जब हम ड्रॉप लेते हैं तो कई बार प्रेशर होता है, कई बार नहीं होता है, फैमिली सपोर्ट प्रेशर दोनों, तो पहले तो ये कि जब ग्रेजुएशन के बाद आपने ड्रॉप लेने का सोचा तो क्या आपके मन में थॉट थे, फिर आपने भोपाल आके पढ़ाई की, तो आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, भोपाल एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगा कि आप वो डिटेल में बताएं। लास्ट ईयर सर मैंने निमसेट दिया था, उसमें मेरी रैंक 1100 के अप्रॉक्स आई थी सर, 1100 आ गई, लेकिन तो सर एक कॉन्फिडेंट था कि हाँ एक अच्छी एनआईटी मिल सकती है, अगर मैं ड्रॉप लूंगा तो नेक्स्ट ईयर बहुत अच्छी एनआईटी मिल जाएगी। एक फियर थोड़ा रहता है सर कि ड्रॉप ले रहे हैं फिर क्या होगा, लेकिन सर कॉन्फिडेंस था कि निकाल लेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का सर इसमें ज्यादा वेटेज होता है और मैथ्स सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मुझे विश्वास था मैं निकाल लूंगी। सर मेन सबसे जरूरी होता है गार्जियन का साथ सर, मैंने घर पे बात की, भैया ने सपोर्ट किया, मम्मी ने सपोर्ट किया कि हाँ जाओ। ऑनलाइन लास्ट ईयर था सर, तो ऑनलाइन में सर संस्थाओं में इरेगुलर था, रेगुलर नहीं हो पा रहा था, मतलब मैं टेस्ट सीरीज लगातार नहीं देता था, घर पे कुछ काम आ जाता था बहुत से कारण से, तो मैंने सोचा मूव ऑन करना, सोचा कि ऑनलाइन से इतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल पा रहा है तो मैं ऑफलाइन शिफ्ट हो जाता। आपसे बात की सर, आपने कहा ठीक है आ जाओ, तो सर आ गया भोपाल, वहाँ आ गया तो कभी सर 8-8 घंटा बैठा कभी था ही नहीं, पहले दिन आया सीधा क्लासरूम में जाना था, तो पहले मैंने क्लासेस नहीं, प्रतीक सर की क्लास थी, फिर उसके बाद सर आपकी, फिर 8 घंटा बैठा वहाँ पे, तो हालत तो खराब हो गई क्योंकि कभी इतना 8-9 घंटे रेगुलर सिटिंग की आदत थी नहीं, लेकिन सर धीरे धीरे हैबिट बन गई तो फिर कभी सर प्रॉब्लम नहीं, कभी 8-9 घंटे बैठ के पढ़ाई करना, स्टडी करना बहुत अच्छा था सर, सुबह आना वहाँ पे और रेगुलर मतलब पूरे 8 घंटा लगातार पढ़ने, क्लासेस होते थे, टेस्ट होते थे बीच बीच में, ये सर जो काफी हेल्प किए सर। ठीक है ठीक है, ये सर चीजें काफी हेल्प किए और धीरे धीरे फिर चीजें सर समझ में आती गई, कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर थे, बस उसको शेप देना था सर, शेप मिला, उसके बाद सर टेस्ट प्रैक्टिस करते गया सर, डीपीटी TWPT जो मिलते गए क्लासेस में उनको किया, बार बार मल्टीपल टाइम्स, जैसे आप कहते हैं सर एक ही चीज मल्टीपल टाइम्स करो, तो वो किया सर मैंने की, जिसका रिस्पॉन्स सर काफी अच्छा मिला, और टेस्ट सीरीज जो सर आपकी थी वो तो इतनी सारी टेस्ट सीरीज थी कि उसके बुक करने का टाइम ही नहीं मिला, वही करता गया, तो सारे मटेरियल उसमें मिलते। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है विवेक, जैसे अभी आपने बात बोली, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी आपने बोली कि ऑनलाइन कोर्स में, देखिए अभी ऑनलाइन ऑफलाइन इंपिटस में तो दोनों के रिजल्ट बेस्ट होते हैं, पर ऑनलाइन में सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ फिर तुरंत आप स्विच हो जाओ और ऑनलाइन से ऑफलाइन में जाओ, पर अगर सेल्फ डिसिप्लिन है तो आप ऑनलाइन में भी पढ़ सकते हो। तो एक्चुअल में आपने लास्ट ईयर सीरियसली प्रिपरेशन नहीं की थी, अब देखो ना आपकी रैंक में सीधा सीधा पिछले साल की रैंक में अगर 100 का डिवाइड करो तो उसके बराबर रैंक है, ये बहुत बड़ा 4 डिजिट से 2 डिजिट में भी, 2 डिजिट पे भी आपकी 12th रैंक होना, ये अपने आप में अचीवमेंट है, और आई थिंक कि ये इतनी अच्छी आपने मेहनत की उसी का नतीजा है, और अब आप क्योंकि आने वाले दिनों में NIT त्रिची जाओगे वहां पर भी ऐसे ही सक्सेसफुल होना है। तो विवेक मैं एक और चीज चाहूंगा कि जब हम घर से निकलते हैं तो बहुत अलग अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आपके हिसाब से, क्योंकि आपको क्या लगता है सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, आपका क्या मैसेज होगा बच्चों के लिए? भोपाल आओ क्योंकि आप अगर बाहर जाने पढ़ाई करने तो पढ़ाई पे ध्यान दे सर, मैं आपसे बात की थी आपने कहा था विवेक पढ़ाई पे पहले फोकस करो, मेन यहाँ पे आए किस लिए हो, पढ़ने आए हो, बाकी सब चीजें सेकेंडरी चीजें हैं, होती रहेंगी, लाइफ से चलती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई जो मेन है उसको आपका भी फोकस उससे हटना नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीजें सर हॉस्टल की बहुत सी दिक्कतें आती थी, लेकिन सर आपसे बात की थी आपने कहा था तो उसी हिसाब से मैंने देखा, तो पढ़ाई को कभी सेकेंडरी प्रेफरेंस नहीं दिया, उसको हमेशा प्राइमरी प्रेफरेंस ही रखा, तो उसी के कारण है सर सब कुछ शिक्षक चलता गया और आज IIT आ गया सर। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन आपको, आपके पेरेंट्स को, सभी को बहुत सारी बधाइयां, ऐसे ही खुश रहो और आगे बढ़ो और ऐसे ही तरक्की करो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, हमेशा सर आपकी मोटिवेशन लेक्चर्स जो आप मोटिवेट करते थे सर
काफी हेल्पफुल था सर। बीच बीच में जैसे मैंने बोला थोड़ा मैं इरेगुलर टाइप का, मतलब मुझे कोई पुश करना, थोड़ा सा पुश करने के लिए कोई चाहिए होता है, तो सर आपने बहुत अच्छे तरीके से मतलब गाइड किया। और हाँ, तो जो बीच बीच में सर आप मतलब डेली इंटरेक्शन आपसे होता था सर, वो काफी हेल्पफुल रहा। तो कभी डिमोटिवेट नहीं हुए, डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए, चीजें को मतलब करते गए समझ में आता गया, कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए। तो वो सब चीजें सर ऑफलाइन में हो पाती है, ऑनलाइन में थोड़ा डिसिप्लिन जिस बंदे का हो पाता है वही कर देता है। थोड़ा मेरा काम था इसलिए मैंने ऑफलाइन मूव करने का सोचा। बिल्कुल सही। देखो, हमें अपनी कमजोरियों को समझना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ, समझ आप अपने आप को सबसे ज्यादा हम अपने आप को खुद ही जानते हैं। तो अगर हम पॉजिटिवली सही सोच रहे हैं, मतलब हमें लगना चाहिए, क्योंकि मेरा कहना ये, चाहे भोपाल में पढ़ो, चाहे घर रह के पढ़ो, चाहे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ो, जहां पढ़ाई हो रही है पढ़ाई करो। पढ़ाई नहीं यस करोगे सर, तो कुछ नहीं होगा। तो कुछ आपने नहीं इस बात को होगा। समझ लिया था कि मैं घर पे उतना डिसिप्लिन नहीं हूं, और वो आपका जो एक्शन था वो बहुत अच्छा हुआ। मान लो आप एक्शन नहीं लेते तो आज पता नहीं क्या होता। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और हर बच्चे को मैं बोलूंगा कि आप अपने आप को जानते हो, आप देखो आप डिसिप्लिन हो, कैसे पढ़ सकते हो, नहीं हो रही पढ़ाई तो भी एक्शन लेने में देर मत करो, रेगुलर टेस्टिंग दो। ये सब चीजें बड़ी मैटर करती हैं, और ये सब चीजें आपने करी हैं। क्लास में भी आप हमेशा रेगुलर रहे, और आज आपके सामने उसका एक रिजल्ट है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू। टेस्टिंग तो सर बहुत मैटर करती है सर, उसका एनालिसिस करना सर वो बहुत मैटर करती है। वो क्या चीजें गलत हुई, क्या जो सही, उसमें टाइम ज्यादा लग गया, तो ये सब चीजें सर बहुत मैटर करती है। लास्ट ईयर नहीं कर पाया, इस साल किया, नया एक्सपीरियंस मिला, बहुत अच्छा लगा। थैंक चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा। थैंक यू। यू सर।